फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम लोग गूगल एनालिटिक्स का टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं हो पाता। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि एड्स के थ्रू जो डेटा या फिर ट्रैफिक जनरेट हो रही है वो ट्रैफिक पेज बाय पेज कैसे ट्रांसफर हो रही है। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ एक बेसिक प्रॉब्लम का, वो भी गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, मेरे टीम मेंबर्स कुछ दिनों से काम कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गूगल एनालिटिक्स टूल को वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करने में बार बार फेल हो रहे थे। उन्होंने 2-3 बार कोशिश की लेकिन फाइनली मुझे इंटरवेंट करना पड़ रहा है और मैं देखना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और आपको भी बताना चाहता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स टूल इंटीग्रेट करते वक्त किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और फाइनली हम लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से निकालें। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और फाइनली हम लोग देख पाएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे कंप्लीट किया जाता है और आप डेटा को कैसे रिव्यू कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको बेल आइकन का बटन हिट करना ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, गूगल एनालिटिक्स में एक प्रॉब्लम आ रहा है और हम लोगों ने हमारी एक क्लाइंट के वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट किया है लेकिन यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो बार बार मेरी टीम ने इसके ऊपर में काम किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उस चक्कर में यहाँ पर 3 अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं लेकिन तीनों अकाउंट क्रिएट होने के बावजूद यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब भी गूगल एनालिटिक्स को आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो सिंपल इजीएस्ट प्रोसेस ये होता है कि आप जो भी अकाउंट इंटीग्रेट करते हो उस वेबसाइट को ओपन कर लेना चाहिए और उसके बाद में लाइव डेटा में आपको दिख जाता है कि वो साइट ओपन है। मतलब यहाँ पर 1 ये न्यूमेरिकल नंबर आ जाएगा और आपका 1 का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट एक बंदे ने ओपन किया है। मल्टीपल यूज़र ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पर उतने मल्टीपल नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर 0 डेटा है। तो प्रॉब्लम क्या है पता लगाना है, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एडमिन में आ जाते हैं और एडमिन में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पर M2001 नाम से एक अकाउंट क्रिएट हुआ है और यहाँ पर डिटेल्स जो है चेक करते हैं, क्रिएट प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ऐड हुई है लेकिन यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी ऐड हुई है, आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब मुझे इस प्रॉपर्टी को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं फिर से एक बार काम शुरू करूँ और 0 से काम करूँगा ताकि तभी मुझे समझ में आए। लेकिन अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो चुकी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो M2 का UA नंबर है वो शायद इंटीग्रेट नहीं हुआ है वेबसाइट के साथ में। प्रॉपर्टी सेटिंग में आते हैं हम लोग। अगर मुझे ट्रैश करना है, ट्रैश करने के बाद मूव टू ट्रैश का कॉलम आता है, टैब आता है, इस टैब के ऊपर में मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में मूव टू ट्रैश करना है ताकि ये प्रॉपर्टी कम्प्लीटली ट्रैश हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रॉपर्टी ट्रैश हो चुकी है क्योंकि 3-3 अकाउंट बन चुके हैं यहाँ पर और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैं फिर से UA में चला जाता हूँ और इसको भी मैं ट्रैश कर देता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी सेटिंग में चला गया और मूव टू ट्रैश कर दिया मैंने। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर मैं आ गया, मैं प्रॉपर्टी सेटिंग में आ गया और मूव टू ट्रैश इसको भी मैंने कर दिया दोस्तों। अब इस तरह से मेरी तीनों प्रॉपर्टीज वो ट्रैश हो चुकी है क्योंकि मुझे ट्रैश करना ज़रूरी था क्योंकि नई प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी है और उसके बाद में शायद मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ गूगल एनालिटिक्स को। और मैं यहाँ पर नई प्रॉपर्टी ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट ऐड हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर M2001 ये अकाउंट ऐड हुआ है और इस अकाउंट के अंदर मैं एक ईमेल आईडी से मैं 100 तक मैं अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इस अकाउंट के अंदर मैं नई प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। तो क्रिएट प्रॉपर्टी पर आ गया मैं, यहाँ पे आने के बाद में मुझे प्रॉपर्टी का नाम डालना है यहाँ पर। सो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम और यहाँ पर मुझे अपनी कंट्री चेंज करना है दोस्तों। कंट्री बहुत, काफ़ी लोग कहते हैं कि कंट्री से फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको कंट्री से फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आपकी वेबसाइट इंडिया के लिए है तो डेफिनेटली आपको
वेबसाइट का जो टाइमिंग है इंडिया के हिसाब से डाल सकते हो, करेंसी डॉलर में रख सकते हो, क्योंकि आपको पैसे जो है अगर एडसेंस का अप्रूवल लेकर आना चाहते हो तो आप करेंसी जो है वो US में रखिए। लेकिन अगर आपकी इंडिया में साइट है और आप जो है ई कॉमर्स साइट है और ई कॉमर्स साइट के ऊपर में डेफिनेटली INR के ऊपर ट्रांजेक्शन होगा, तो आप इसको सेट कर लीजिए। इसको हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी जो कंपनी का साइज़ है उसको हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने मीडियम रख दिया है। उसके बाद में इसको सभी टैब्स को मैं ऑन कर दूंगा। मैं कर देता हूँ ऑन। यहाँ पे ये टैब्स है, हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस, ये दिया हुआ है। यहाँ पर अदर ऑप्शंस है, तो अदर को मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ फाइनली प्रॉपर्टी क्रिएट। अब दोस्तों प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन के लिए तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, वेब, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप। अभी के लिए हम लोग हमारी वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स टूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग वेब के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोगों को हमारी वेबसाइट का एड्रेस डालना है। तो मैं इस वेबसाइट का एड्रेस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ऑलरेडी HTTPS यहाँ पर मेंशन है, तो मुझे यहाँ पर से रिमूव करना होगा HTTPS। और स्ट्रीम नेम अगेन मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इस स्क्रीन को आप देख सकते हो, वेब स्ट्रीम डिटेल्स जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, काफ़ी काम का है वैसे ये। डेटा कलेक्शन इज़ नॉट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट, मतलब अभी तक आपका डेटा कनेक्शन हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो M2 आपका जो वेबसाइट का स्ट्रीम ID है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ID जो है, ये ID आपके वेबसाइट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाई है। इसकी वजह से डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, गूगल एनालिटिक्स में डेटा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको एनालिटिक्स की डिटेल या आपके यूज़र्स की डिटेल एनालिटिक्स के चार्ट के ऊपर में नहीं दिखाई देगी। अब फ्रेंड्स आगे लिखा है, इफ़ यू इंस्टॉल टैग्स मोर देन 48 आवर्स, मेक श्योर दे आर सेटअप करेक्टली, मतलब अगर आपने अगर डाल दिया है तो 48 आवर्स लगेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए और आपको चार्ट्स के फॉर्म में दिखाने के लिए। लेकिन हम लोग उसके पहले ही चेक कर लेंगे, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है इवेंट, दूसरा है गूगल टैग। इवेंट के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई इवेंट्स, क्रिएट कस्टम इवेंट्स, मेजरमेंट प्रोटोकॉल, API सीक्रेट्स, इनकी अभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोगों को पहले इंटीग्रेट करना है गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ में। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ टैग्स दिए हुए हैं, गूगल टैग्स, सो कॉन्फिगर टैग्स सेटिंग्स है, मैनेज कनेक्टेड साइट टैग्स है, और थर्ड ऑप्शन है व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, नो डेटा रिसीव्ड, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो इसको हम लोगों को पहले ग्रीन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको डेटा रिसीव्ड के फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग चले जाएंगे, लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं एक नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब यहाँ पर दो टाइप के टैग्स दिए हुए हैं, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन के साथ में दो टैब्स हैं, इंस्टॉल विथ वेबसाइट बिल्डर और दूसरा है इंस्टॉल मैनुअली। अगर आपकी वेबसाइट Drupal या फिर Duda, मॉन्स्टर इंसाइट्स या Type03 Wix जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है तो आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट है तो आपको इंस्टॉल मैन्युअली करना है दोस्तों। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इंस्टॉल द गूगल टैग मैन्युअली। तो चलिए दोस्तों कोड पेस्ट करने के लिए हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन में आने के बाद में आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है और यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। जब भी आपको कोड आपके वेबसाइट के हेडर सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में इंस्टॉल करना होता है या फुटर सेक्शन में, उस टूल के थ्रू, उस प्लगइन के थ्रू काफ़ी इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, और उसका नाम है हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो आप यहां पर हेडर फुटर कोड मैनेजर टाइप करके उस प्लगइन को ढूंढ सकते हैं और उस प्लगइन को इंस्टॉल प्लस एक्टिवेट कर देना है, ताकि आप किसी भी कोड को हेडर सेक्शन में डाल सकते हो। आप देख सकते हैं दोस्तों हेडर फुटर कोड मैनेजर ये प्लगइन यहाँ पे दिख रही है, और अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मतलब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है, मुझे जस्ट अपडेट करना है। आप लोगों को शायद इंस्टॉल प्लस एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप कर लीजिए, मैं अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है या अपडेट हो चुकी है। अब हम लोगों को इस प्लगइन के ऊपर जाना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। आपको यहाँ पर हेडर फुटर कोड मैनेजर दिखाई देगा, ये जो है
ये टैब HFCM, ये हेडर फुटर कोड मैनेजर है, आपको ऐड न्यू इस टैब के ऊपर में क्लिक कर देना है और अब आप हेडर फुटर कोड मैनेजर के पेज पर आकर कोड को ऐड करने की शुरुआत कर सकते हो। अब दोस्तों स्निपेट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और स्निपेट नेम में हम लोग को लिखना है गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का कोड है दोस्तों ये, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर HTML साइट वाइड। जैसे कि आपने देखा था कि ये कोड जो है गूगल के हर एक पेज पे आना चाहिए, एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर साइट वाइड लिखना ज़रूरी है। ओके, या फिर स्पेसिफिक पोस्ट या स्पेसिफिक पेज पर डालना होता है तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर साइट वाइड, साइट वाइड का मतलब होता है कि आप सभी पेज के ऊपर में इस कोड को इंस्टॉल करना चाहते हो। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, हेडर सेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है होडर हेडर और फुटर, तो हेडर बाई डिफ़ॉल्ट उसको वहीं पर रखना है हम लोगों को। शो ऑन ऑल द डिवाइसेस, डेफिनेटली डेस्कटॉप मोबाइल डिवाइसेस सभी डिवाइसेस के ऊपर में ये दिखाई दे ये कोड, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को ये कोड जो है वो कॉपी कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद इस कोड को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस कोड को डेफिनेटली आपको सेव करना होगा, तो चलो मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ। अब हम लोगों को इंस्टॉलेशन के बाद फिर से एक बार गूगल एनालिटिक्स के पेज के ऊपर में आना है। फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर लिख के आ रहा है डेटा कलेक्शन इज़ नॉट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट इफ़ यू इंस्टॉल टैग मोर देन 48 आवर्स, मेक श्योर दे आर सेटअप करेक्टली। इसका मतलब हमारा डेटा का सिग्नल अभी तक वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है नहीं आ रहा है, या यहाँ पर नो डेटा रिसीव्ड ये सेक्शन आ रहा है। आपको कोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है नो डेटा रिसीव्ड। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं होम पेज के ऊपर में। सो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, मेक श्योर योर वेबसाइट इज टैग्ड यूजिंग मेजरमेंट ID। ओके, नो डेटा रिसीव्ड। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर यूज़र्स इन लास्ट मिनट के ऊपर में कुछ चेंजेस होते हैं क्या, अभी यहाँ पर ज़ीरो दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा कोड इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। कई सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे यहाँ तक की प्रोसेस, लेकिन इसके आगे की प्रोसेस और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक हमारा कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कनेक्शन अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ मैनेज कनेक्टेड साइट टैग्स में, यहाँ पर ज़ीरो कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पे हम लोगों को कनेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसके लिए आपको इस टैब के ऊपर में क्लिक करना होगा, क्योंकि जब हम लोग होम पेज पे जाके देखते हैं दोस्तों, तो होम पेज के ऊपर में हम लोगों को कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। रियल टाइम में यहाँ पर मुझे एक नंबर दिखाई देना चाहिए जैसे ही वेबसाइट ओपन करता हूँ, वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मुझे फिर से एक बार वहीं पर आना है यहाँ पर वेब स्ट्रीम डिटेल्स के ऊपर में, और कनेक्शन कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई दे रहा है मेजरमेंट ID, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने, और इसके बाद मुझे मैनेज कनेक्टेड साइट टैग्स इसके ऊपर में क्लिक करना है, और यहाँ पर उस ID को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर निक नेम दे देते हैं। इसके बाद हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं फिर से एक बार, ताकि हम लोग देख पाएँ कि हमारा टैग वेबसाइट के साथ में कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 1 कनेक्ट आ रहा है, और इसका मतलब यहाँ पर टैग कनेक्ट हो चुका है। इसको हम लोग बंद करके फिर से एक बार होम पे आ जाते हैं, और वेबसाइट को फिर से रिफ़्रेश कर देते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद से आपको डेटा आना शुरू हो जाएगा विद इन, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अब यूज्ड इन लास्ट 30 मिनट्स के ऊपर में हमारी वेबसाइट जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक यूज़र दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस यूज़र को समझना चाहता हूँ, ये इंडिया का यूज़र है, मतलब हम ही ने वेबसाइट ओपन की है। और इस तरह से आपको जब कोड दिखना शुरू हो जाए दोस्तों, तब समझ जाना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में टैग इंस्टॉल हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दोस्तों आई होप आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर में कोड कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे रियल टाइम में चेक करना है वो समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक एज अर्ली एज पॉसिबल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।